नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर सिद्धार्थनगर जनपद के ब्लॉक भनवापुर के ग्राम सभा बड़हरा बिसुनपुर का है। ग्राम प्रधान बड़हरा बिसुनपुर मोहम्मद उमर ने गांव में तालाब का बिना कुछ काम कराए पैसा निकाल लिया है। ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने गाँव में स्थित कई तालाबों का पैसा निकाल लिया, जिससे सेक्रेटरी और प्रधान ने काफी पैसों का घपला किया हुआ है। बड़हरा बिसुनपुर में छुट्टा जानवरों का प्रकोप जारी है। ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सलीम अहमद के साथ मोहम्मद हकीम की रिपोर्ट। प्राइम न्यूज 24 क्राइम रिपोर्टर सिद्धार्थनगर। ये सुंदरीकरण के लिए ये पखरा सामने आया है प्रकाश में। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पे दिखाना चाहता हूँ। शासन प्रशासन को लोग कह रहे हैं कि इसका 9 लाख रुपया विड्रॉ हो गया है, लेकिन इसमें एक भी कता काम नहीं हुआ है। ये चार तरफ से काफ़ी दिन से इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कहीं मट्टी उट्टी का खदान नहीं हुआ है कि मतलब इसका भेंट लगवाया जाए। और इसका 9 लाख रुपया विड्रॉ कर दिया गया है और प्रधान जी उसको प्रधान और सेक्रेटरी मिल के ये पैसा खा लिए हैं। ये आपको मैं सारे पखरे का मतलब ये पूरा रिपोर्ट दिखा रहा हूँ चारों तरफ का। और लोग कह रहे हैं कि इसका मेरे पास रिपोर्ट भी है कि 9 लाख रुपया इस पखरे के नाम पे विड्रॉ हुआ है। ये कौन सा ग्राम पड़ता है भैया? बड़हरा बिसुनपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है? भनवापुर। ब्लॉक भनवापुर, ग्राम बड़हरा बिसुनपुर, जिला सिद्धार्थनगर का मामला है। फिर मैं इसी ग्राउंड पे लोग से राय पूछ रहा हूँ और इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि मतलब ये इसका पैसा हकीकतन पैसा उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है। फिर बारी बारी करके एक एक लोग से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम फैसल चौधरी है। फैसल चौधरी। आपके पिताजी का क्या नाम है? अनवारुल हक। अनवारुल हक। अनवारुल हक। कौन सा ग्राम सभा पड़ता है आपका? बड़हरा बिसुनपुर। ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? भनवापुर। जिला कौन सा लगता है? सिद्धार्थनगर। हाँ, ये तालाब के बारे में बताइए भाई आपका। साहब, ये तालाब का मैं जब रिपोर्ट निकाला तो ये 9 लाख रुपया इसका निकाला गया है जी। और मौके में सिर्फ 4-6-8-10 दिन लगभग मजदूर से थोड़ा काम करवा दिया गया, मट्टी इधर उधर करवा के, और 9 लाख रुपया निकाल लिया गया है। 9 लाख रुपया छोटा रकम नहीं होता है चौधरी जी, ये बहुत बड़ा रकम होता है। काम तो साहब 10-12 दिन सिर्फ किए हैं, 8-10-15 लेबर बस, उससे ज्यादा 8-10 दिन। हाँ, अच्छा अच्छा। इसका रिपोर्ट हमारे पास है साहब। आपके पास इसका रिपोर्ट है? हाँ। लेकिन इसको मतलब कागजात में तो इसको पूरा कर लिया गया है और मौके पे काम नहीं हुआ है। कहीं सुंदरीकरण का नाम नहीं है साहब की, देखा जाए कहीं नहीं सुंदरीकरण हुआ है। सीढ़ी लगवाने के बाद और इसमें कहीं तो सीढ़ी भी नहीं दिखाई दे रहा भाई। सुंदरीकरण के नाम पे इसको ठगा गया है। सिक्योरिटी और प्रधान ने मिलकर इसको ठगा गया है, सरकार को ठगा है। कई तालाब हैं साहब और लोग बताते हैं कई तालाब का पैसा मतलब विड्रॉ हुआ है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ है। हल्का पुल्का काम करवा के फिर इसको विड्रॉ कर लिया गया है पैसे को। मैं आपको चारों तरफ से चारों तरफ का मैं आपको दिखा रहा हूँ इस रिपोर्ट का। वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें कोई काम ही नहीं हुआ है। और मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे भी दिखा रहा हूँ कि मतलब कहीं सुंदरीकरण के नाम पे कोई काम नहीं हुआ है। प्राइम न्यूज 24 क्राइम रिपोर्टर सिद्धार्थनगर। ग्राम बिसुनपुर का, ग्राम बिसुनपुर, ब्लॉक भनवापुर, जिला सिद्धार्थनगर का मामला सामने आया है। यहाँ पर जो छुट्टा जानवर हैं, यहाँ के लोगों का बहुत बुरा हाल करके रखे हैं। ये छुट्टा जानवर किसानों का जितना भी फसल बोते हैं वो सब चर लेते हैं, और चरने के बाद में इनको रात रात दिन मतलब इनको रखाते रहते। बहुत परेशान है यहाँ के जनता। इस योगी सरकार में इनका जीना मुश्किल हो रहा है। दिन में ये जितने यहाँ के ग्रामवासी हैं सब बहुत परेशान है। दिन में तो ठीक है, रात को इनको इसी कड़कड़ाती ठंडक में इनको अपने फसल पे रात दिन रखाते रहते हैं। हम यही चीज़ें जनता से राय पूछते हैं, क्या मामला है,
और कैसे आप लोग का मामला चल रहा है। चलिए वहाँ पर लेके चलिए आप। हम एक एक लोग से ये राय पूछते हैं, ये छुट्टा जानवर कितना परेशान कर रखे, फसल बचता है कि नहीं बचता है। चाचा आप अपना नाम बताइए। ज्ञानदास। ये कहाँ का मामला है? ये तो बढ़ारा का है। बढ़ारा बिशुनपुर कौन सा ब्लॉक लगता है? बनवापुर जिला सिद्धार्थ नगर का मामला है। तो ये जो छुट्टा जानवर है इनसे ये जनता आप सब कितना परेशान है? बहुत परेशान है। लोग कह सब देखा जाता खेत। अच्छा आगे लेके चलिए। एक एक लोग से मुझे पूछना है कि ये रात रात को ये लोग बहुत परेशान है। पूरी रात रखाते हैं गाय को, रात भर सोने नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। धीरे धीरे दो दो बात लीजिए। बहुत परेशानी है गाय से। गाय से बहुत परेशानी आप लोग को झेलना पड़ता है। रात रात रखाना पड़ता है, रखाना पड़ता है। चाचा आप बताइए। रात भर हम लोग परेशान रहते हैं, गाय के पीछे दौड़ते रहते हैं, इधर उधर गाय को भगाते रहते हैं जी। बहुत परेशानी है गाय से हमें। आप चाचा आप बताइए। रात भर सुकून नहीं मिलता सर, पूरी रात। ये कितना संख्या में गाय रहती है? कितना संख्या में गाय पूरी रात नींद नहीं आवत? नहीं, मैं जो पूछता हूँ कि ये कितना संख्या में गाय रहती है? बिस्कुहार बाजार से पकड़ के लेके पकड़ो। खाली यहाँ के अपने गांव के बड़ा सिवान में कम से कम 500 गाय ही। 500 गाय। ये जो फसल आप बोते हैं, गेहूँ है, बाजरा है, मतलब कोई भी है फसल, ये सब चर लेती हैं? चर लेती है। अगर ना रखा ये कड़कड़ाती मतलब ठंडक में, ये आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, है ना? हाँ बहुत। मैं आपको इसी ग्राउंड रिपोर्ट पर दिखा रहा हूँ ये गाय की जमावड़ा। ये बहुत, ये जनता को यहाँ के निवासियों को परेशान करके रखे हैं। इतना ही झुंड जब जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, इतना झुंड हर ग्राम सभा में हर जगह उपलब्ध हैं। ये योगी सरकार से हमारे तरफ से विनती है कि इनका सुरक्षा व्यवस्था किसी तरह करवाया जाए। गरीब जनता, ये असहाय किसान बहुत परेशान है। ये आप ये रात को अपने फसल को रखाने के लिए रात दिन परेशान रहते हैं। प्राइम न्यूज़ 24 क्राइम रिपोर्टर सिद्धार्थ नगर।